हमको तो नहीं मिली है सर। कितना टाइम हो गया? मैं तो कभी आई ना है। और क्या समस्या आपको? यही समस्या है। और ये बिजली बिजली की दुनिया ने छूट मिल रही, हमारी बिजली की छूटना है। समस्या यह आचार संख्या लगी है, जब से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। बीचे भी सरकार आई है, जब से कुछ भी लाभ नहीं मिला है। सिलेंडर का बोला 450 का मिलेगा, कुछ भी नहीं है। वो 913 रुपये हमारी जेब से, तो 913 रुपये हम भर हो जाए महीना है। कभी कभी तो भरवाते ही नहीं है, 6-6 महीना में बार डर के मारे का कहाँ से लाए इतने पैसे। फिर कैसे खाना बनाते हैं? लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी से खाना बनाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मोदी की गारंटी दी जा रही है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार को बने 3 महीने हो गए हैं। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया है बीजेपी की गारंटी के ऊपर। अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत हमारी जब सरकार थी तो हमने लगातार कई महीने तक सब्सिडी दी थी और लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा था, लेकिन आचार संहिता लगते ही वो सब्सिडी रुक गई और अब बीजेपी सरकार बनी है, लेकिन 3 महीने से लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी दी जानी चाहिए वो नहीं आ रही है। जबकि वादा किया था, गारंटी दी थी मोदी ने कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन 450 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 3 महीनों से सब्सिडी नहीं मिल पाई। महिला हैं, उनसे जानेंगे, ये लाभान्वित महिला हैं और बहुत परेशान। इनका कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। हाँ अम्मा, क्या सब्सिडी मिल पा रही है उज्ज्वला योजना के तहत आपको? हमको तो नहीं मिली है सर। कितना टाइम हो गया? मैं तो कभी आई ना है। और क्या समस्या आपको? यही समस्या है। और ये बिजली बिजली की दुनिया ने छूट मिल रही, हमारी बिजली की छूटना है। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत आपको फ़ायदा मिला है? कुछ नहीं मिला है, मैं तो सब्सिडी नहीं आ रही है। कितने महीने हो गए? आई ना रही, कई महीना थे। हाँ, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से नहीं आ रही है या कांग्रेस नहीं आ रही है? पहले तो आ रही थी कांग्रेस सरकार मारी थी। हाँ, अब नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही है कितने महीने से है? 2-3-4 महीना से, जब इससे नहीं आ रही है, जब से जो बंद हुई है जब से नहीं आ रही। अशोक गहलोत जब थे तब आ रही थी? जब तो आ रही नहीं, जब तो आ रही सब्सिडी। अशोक गहलोत आता जब तो चलो हम आपसे बात करेंगे। नरेगा में भी काम कर रहे हैं और वो भी पैसे नहीं आ रहे हैं। नरेगा में कब से नहीं आ रहे? वे गई 5 अक्टूबर से ना आ रहे। हाँ, ये भी अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत आए थे, धौलपुर जा रहे थे, तब उन्होंने ये आरोप लगाया था बीच सरकार पे कि नरेगा का पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है, जो ये कह भी रहे हैं। हाँ, वो भी नहीं है रहा हमारा। अच्छा, आप ये सभी लाभान्वित महिला हैं उज्ज्वला योजना के तहत, आपको मिल पा रहा है? ना मिल लो कछु ना मिल लो भाई साहब, 3-4 महीना है गए, बिल्कुल कछु ना आ रहा। अब तो कितने में पड़ रहा है फिर गैस सिलेंडर? हमको पड़ रहा 1100-1200 में पड़ रहा, 900 को भर मार 913 में। तो कितने महीने से 913 में ही पड़ रहा है? क्या महीना है गए? 3-4 महीना है गए। बीजेपी सरकार ये तब से ही है क्या? हाँ, जब ही थे जब थे ये और कहा। अच्छा, आप बताएं, आप इसकी लाभान्वित हैं, क्या समस्या यह आचार संख्या लगी है, जब से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। बीचे भी सरकार आई है, जब से कुछ भी लाभ नहीं मिला है। सिलेंडर का बोला 450 का मिलेगा, कुछ भी नहीं है। वो 913 रुपये जा रहे हमारी जेब से, तो 913 रुपये जा रहे हैं आपकी जेब से, कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे खाते में सब्सिडी 1 रुपये। आप ये बताइए, मोदी आए थे, भरतपुर भी आए थे, उन्होंने गारंटी दी थी बीजेपी सरकार आते 450 का सिलेंडर होगा। अब बीजेपी सरकार 3 महीने हो गए राजस्थान में, तो वो कह रहे हैं कि सिलेंडर हम तो दे रहे हैं 450। मोदी जी आए, वो बोलेगा 3 दिसंबर आवेगी कांग्रेस चुमंत्र जा होगी, तो हमारे चुमंत्र कर गए वो, तो सब है सब्सिडी रोक दी गई है। रोक दी गई है और क्या। तो कुल मिला के महिलाओं की ये व्यथा है, उनको सब्सिडी नहीं मिल पा रही है जब से बीजेपी सरकार मिली है। और भी महिला हैं, आप शर्माइए मत, आराम से बता दीजिए, सब्सिडी मिल पा रही है गैस सिलेंडर पे? नहीं ना रे भैया, कछु ना आ रहे। कितने महीने हो गए? महीने तो महीना है गए। अच्छा, 4-5 महीना। पहले आती थी क्या? हाँ पहले आती, हमारी तो ना आई एक दफे, एक दफे ना आई हमारी, तो सब्सिडी नहीं आई। नहीं आई 913 कोई भरवा रहे, आज भरवाया मैंने 913 रुपया को। हाँ, मेरी ना आई है कुछ। हाँ, आप बताएंगे इसके बारे में सर, ये क्या हुआ? हाँ, अगले महीने में भी 913 रुपये का आया था सिलेंडर, आ ही नहीं रही है सब्सिडी 3-4 महीना थे। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका कोई फायदा मिल ही नहीं पा रहा आपको? कछु ना मिल रहा साहब, 5 किलो गेहूँ मिले, एक आदमी पका पार पर है गेहूँ थे और सब्सिडी रुक जाए। तो गैस सिलेंडर जब इतना महंगा तो बहुत समस्या आ रही होगी और क्या आ रही है, कहाँ भरे आदमी है ना, बच्चा छोटे छोटे हैं, कौन भरा सिलेंडर इतने महंगे ने।
कर रहे हैं ऐसे गुजारा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बीजेपी की सरकार आई है जब से हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी जब तो हमें लाभ मिला था, क्योंकि सब्सिडी भी आई थी और 300 रुपये आते थे। अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। बिल्कुल, तो ये महिलाएं हैं और इनका कहना है गैस सिलेंडर का वादा कर दिया 450 रुपये का, लेकिन कोई फायदा नहीं। 3 महीने से ज़्यादा हो गए, सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है जब से बीजेपी नहीं आ रही है। 4 महीना हो गए पेंसिल है, गरीब आदमी क्या खावे, किसी के आदमी है किसी के नहीं है, किसी के बच्चे कमा। कैसी कौन सी पेंसिल? ये विधवा वाली पेंसिल नहीं आ रही है। कितना टाइम हो गया? 4 महीने हो गए। अच्छा, 4 महीने से नहीं आ रही है। तो आपने बातचीत के अधिकारियों से पेंसिल नहीं आ रही है? हाँ, वही कह मैं ऊपर से नहीं डाल रही है भाई, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, बजट नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, अधिकारी तो भीतर भी नहीं घुसन देते हैं कभी कभी, तो विधवा पेंशन नहीं आ पा रही। आप हाँ। कुछ कह रही कहना चाह रही है क्या? जहाँ मैं आई ना रही सोच क्या कहते जो भरवावे जामे जब नहीं करना। ये कह रही हैं कि ये उज्ज्वला योजना के तहत वो है हमारी पासबुक, लेकिन सिलेंडर में सब्सिडी नहीं मिल पा रही। कितने टाइम से नहीं मिल पा रही सब्सिडी? अरे ये पहले 3-4 महीना हो गए जब ते मोदी ने वो दूसरी सरकार आई जब ते है, कछु ना आ रहा बैंक खाते में, आई ना रहे पैसा। अच्छा, कांग्रेस सरकार में आता था क्या? हाँ जब आता जब आ। ये जो बीजेपी ने वादा किया है 450 रुपये हम दे रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है फिर? आपको नहीं मिल पा रहा है? ना आ रहा, ना आई ना आ रहा भाई साहब। तो आपको समस्या तो आ रही होगी गैस सिलेंडर इतना महंगा? 913 रुपया हम भरो जाए, भरवा महीना है, कभी कभी तो भरवाते ही नहीं है, 6-6 महीना में डर के मारे का कहाँ से लाए इतने पैसे। फिर कैसे खाना बनाते हैं? लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी से खाना बनाते हैं। देखो अब भी रखी है लकड़ी और हमारी गैस बीती डरी है, इतना काम नहीं। बिल्कुल, देखिए ये महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं आपको दिखा दूं, यहाँ हम आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वादा किया था, और खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो 450 रुपये का सिलेंडर देने का वादा भजन लाल सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया था, गारंटी बताते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन मोदी गारंटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इन महिलाओं से लाभार्थियों से जब हम बात करते हैं, गरीब लोग हैं, तो इनको इनकी बातों से लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर में कोई रियायत नहीं है, सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, गैस सिलेंडर वही पूरे पैसे देने पड़ रहे हैं, रसोई को चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, वृद्धावस्था पेंशन भी, विधवा पेंशन भी इनकी बंद हो गई, नरेगा वाले भी यहाँ बैठे हुए थे वो भी कह रहे हैं कि नरेगा पेमेंट भी 3 महीनों से नहीं हो रहा है। तो देखिए मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी गारंटी को साकार करने की बात चल रही है, बीजेपी सरकार जब से आई है राजस्थान में तब से गरीब लोग जो हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, जैसा ये लोग बता रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वाई वाई लूटी जा सकती है, वादे किए जा सकते हैं, गारंटी दी जा सकती है, लेकिन उन गारंटी और वादों की हकीकत ज़मीन पर क्या है वो इन लोगों से पूछ करके पता लगता है। इनकी व्यथा जिस तरह से बता रहे हैं कि कोई फ़ायदा उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। ये सितंबर से ड्यू है, इसमें डिपार्टमेंट जो है बेनिफिशरीज के डेटा ऑयल कंपनी से कलेक्ट करके और फिर उनको इलेक्ट्रॉनिकली सब्सिडी ट्रांसमिट करता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के लेवल से ही ये अब ट्रांसमिट हो नहीं पा रहा है। पहले आचार संहिता लग गई थी, अब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही सब्सिडी जो है वो लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।